हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा पार्ट 3 और इसका नाम है हमारे प्राकृतिक चिकित्सक। अब देखिए बेटा, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति यानी नेचर, ठीक है, और चिकित्सक मतलब डॉक्टर, यानी प्रकृति में ही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए डॉक्टर का काम करती है। और डॉक्टर क्या काम करते हैं बेटा? डॉक्टर आपको बीमारियों से बचाते हैं ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं और इसी से आप बीमारियों से बचते हो। लेकिन प्रकृति में भी हमारी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं, ठीक है। यानी छोटी मोटी बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यानी प्रकृति में हमारी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से पेड़ पौधे हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में, बीमारियों से बचाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। जानते हैं इसके बारे में। आज हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे एलोवेरा के बारे में, नीम के बारे में, गिलोय के बारे में और तुलसी के बारे में। आई होप बच्चों, तुलसी के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि सभी के घर में तुलसी है भी, और आई थिंक सभी चाय भी पीते हैं, चाय में इसके पत्ते वगैरह डाल के, दूध में पत्ते डालते हैं। तो तुलसी के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि ये आपके आसपास आपको इजीली देखने को अवेलेबल हो जाएगी, आपने इसको देखा भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एलोवेरा की। तो आपके माइंड में यही आ रहा होगा कि मैम एलोवेरा होता क्या, हमने तो एलोवेरा को देखा ही नहीं। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो आज दिखा देती हूँ एलोवेरा। लुक एट दिस साइड स्ट्रेंड्स बेटा, ये है एलोवेरा, इसको हम ग्वार पाठा भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें साइड में जो होते हैं ये छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है, इनको हमें टच नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चुभ भी सकते हैं। बेटा, इसके अंदर एक जेल होती है और आजकल आप मार्केट वगैरह में देखते हो कि मार्केट में इस जेल को पेस्ट बनाकर बोतल वगैरह में डालकर सेल भी किया जा रहा है और लोग इसको खरीद भी रहे हैं। इससे क्या होता है बेटा, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी पेट के जितने भी बीमारियां होती हैं, नॉर्मल बीमारियां, वो ये ठीक कर सकता है। दूसरा, ये स्किन के लिए भी बेनिफिट करता है। कैसे बच्चों? इसका जो अंदर का जो ये जेल होता है, इसको निकाल कर जब हम अपने स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन ग्लो करती है, यानी हमारी त्वचा में निखार आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये हुई हमारी एलोवेरा के बाद में। आप एलोवेरा सभी ने देख लिया ना बच्चों, इस चैप्टर में भी एलोवेरा की फोटो आपकी बुक में दी गई है, आप वहां से भी एलोवेरा को देख सकते हो, ठीक है। यानी आज के बाद आप अपने घर में इसे जरूर लगाना क्योंकि इसके बेनिफिट्स मैम ने आपको बता दिए हैं। ये पेट के रोगों में भी काम आता है, यानी कई ऐसी बीमारी, ये ठंडा होता है बेटा, ठीक है। और इसका जब हम पेस्ट बनाकर पानी में डालकर इसको लेते हैं तो हमारे पेट की जो बीमारियां होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, इसको जब हम स्किन पे लगाते हैं तो स्किन के जितने इन्फेक्शन होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और स्किन ग्लो करने लग जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों नीम की। आई होप नीम का पेड़ तो सभी ने देखा होगा, देखा हुआ है, चलो मुझे पता है कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। बच्चों देखिए, ये है आपके सामने नीम की कुछ पत्तियां जो मैंने पेड़ से अभी अभी तोड़ी है, ठीक है। ये होती है बेटा नीम की पत्तियां। नीम का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, जिसे हम ट्री बोलते हैं ना, और इसको प्लांट नहीं बोल सकते क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको ट्री बोलते हैं, ठीक है। ये जो पेड़ होता है बेटा, इसमें इसके इस तरह के कुछ पत्तियां आपको देखने को मिलेगी, यही होता है हमारा नीम का पेड़। और ये नीम का पेड़ हमारे लिए कैसे प्राकृतिक चिकित्सक का काम करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास कई ऐसे पेशेंट मिलेंगे आपको जिसको शुगर है, ठीक है, और इसकी जो पत्तियां होती है वो शुगर के लिए बेनिफिट होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन पत्तियों को मॉर्निंग में खाली पेट इनको लेते हैं तो हमारे शुगर का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है, यानी शुगर हमारी कंट्रोल में आ जाती है। दूसरे, अगर हमारे स्किन पे पिंपल्स होते हैं, इट मीन्स फोड़ा फुंसी होते हैं, तो उसमें भी इसका पेस्ट बनाकर इसे लगाया जाता है। और तीसरा, इसकी जो ये पत्तियां होती है इनको ऐसे निकाल के इनकी इन पत्तियों को पानी में डालकर, ठीक है, इसको बॉईल किया जाता है और बॉईल करने के बाद इसको खाली पेट पिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे स्किन का जो इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, यानी एलर्जी जिसको बोलते हैं वो खत्म हो जाती है बच्चों। दूसरा, इसका एक और बेनिफिट ये है कि इससे हमारा ब्लड यानी खून साफ होता है, ठीक है, इससे खून हमारा साफ हो जाता है, यानी ये भी हमारे लिए एक प्राकृतिक चिकित्सक का काम करती है, एक डॉक्टर का
काम करती है। यानी छोटी मोटी बीमारी के लिए अगर आपको छोटा सा पिंपल्स है तो क्या उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं ना। कुछ हमारे आयुर्वेदिक उपचार ऐसे होते हैं जो घरेलू नुस्खे, जिन्हें हम अपनाना जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है, और उसे हमें अपनाना भी चाहिए। आप बात कर चुके हैं हम एलोवेरा के बारे में, वो मैम ने आपको दिखाया भी है। सेकंड पॉइंट है हमारा नीम, और नीम के बारे में मैम ने आपको बता दिया। थर्ड है बेटा गिलोय, और गिलोय की एक बेल होती है और इसके पान की शेप के पत्ते होते हैं। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। बेटा ये जो मैम आपको दिखा रही है, ये ऐसे होती है गिलोय की बेल, ठीक है, इस तरह से इसके पान की शेप के पत्ते होते हैं, ठीक है, सभी को दिखाई दे रही है ना, ये आपके पान की शेप के पत्ते होते हैं, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है, कैसे ये प्राकृतिक चिकित्सक का काम करती है? बच्चों ये प्राकृतिक चिकित्सक का काम इसलिए करती है क्योंकि इसकी जो ये पत्तियां होती है ये भी हमारे लिए बेनिफिट होती है, सेम स्किन इन्फेक्शन के लिए और स्किन ग्लो करने के लिए यानी निखार लाने के लिए भी। और दूसरा बेटा इसका पेस्ट बनाकर इसको पानी में बॉइल करके अगर किसी पेशेंट को तेज बुखार है तो उसको देने से काफी उसको राहत मिलती है, उसका फीवर ठीक हो जाता है, उसका बुखार ठीक हो जाता है। और डेंगू आपने सुना है ना, डेंगू जिसमें बहुत खतरनाक बुखार होता है बच्चों, और उसमें क्या होता है, उसमें जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसकी प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, और इसका घोल यानी इसका पेस्ट देने से, इसका काढ़ा बना के देने से क्या होता है बच्चों, क्या होता है, पेशेंट की जो प्लेटलेट डाउन हो चुकी है, जो कम हो चुकी है, वो कंट्रोल में आ जाती है, वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। यानी ये भी हमारे लिए एक प्राकृतिक चिकित्सक का काम करती है, ठीक है बच्चों। यानी इसके भी बेनिफिट्स आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, बस मैम आपका आज इनका इंट्रोडक्शन करवा रही है, ठीक है, यानी इसको दिखा रही है कि होता गया। कई बच्चे के माइंड में नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अपने आसपास नहीं देखा हो, यानी ये पेड़ ऐसे हैं जो इनको आप अपने घर में लगाओगे तो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों हमारा तुलसी, और तुलसी के बारे में सभी ने पढ़ा भी है और तुलसी तो आपने देखी भी है। बेटा तुलसी जब हमें खांसी जुखाम बुखार होता है तो हम हमारे बड़े बुजुर्ग जो मम्मी पापा दादा दादी हैं वो क्या कहते हैं कि तुलसी का काढ़ा बनाकर पी लो, तुलसी की दो चार पत्तियां चाय में डालकर पी लो, जुखाम ठीक हो जाएगी, ऐसा ही बोलते हैं ना। और जब आपको खांसी होती है तो क्या करते हैं, तुलसी की दो चार पत्तियां लो, उसको शहद में डालकर और थोड़ी काली मिर्ची डालकर उसको पी लो और रात को सो जाओ, उससे क्या होगा, हमारी खांसी ठीक हो जाएगी। फीवर होता है, सेम प्रोसेस, इसको चाय में डालकर पियो, अदरक डालो थोड़ी सी और हमारा फीवर हल्का जो होता है, हल्का फीवर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। और ये एंटीबायोटिक होती है बच्चों, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। और आजकल इस कोरोना महामारी के चलते हुए सभी डॉक्टर्स भी और रामदेव भी आपको क्या बोलते हैं, आपको तुलसी भी लेनी चाहिए और गिलोय भी लेनी चाहिए, ठीक है। यानी आप दूध पीते हो दो तीन पत्ते तुलसी के डालिए, छोटी सी गिलोय की ये जो डंडी होती है वो डालिए और उसको अच्छे से बॉईल कीजिए और वो पी लीजिए। यानी डेली रूटीन में आपको ये करना होगा। और आप अगर इसका काढ़ा बना के पी सकते हो तो इसका काढ़ा भी पी सकते हो, ठीक है। तुलसी के दो तीन पत्ते डाले आपने, गिलोय डाली और उसको पानी में बॉईल करके और उसको छान के आप पी सकते हो, ठीक है। इससे हम कोरोना महामारी से भी थोड़ा सा इफेक्ट मिलता है और क्योंकि हमारा शरीर इससे अंदर से गर्म रहता है, ठीक है, तो ये काढ़ा भी हम पी सकते हैं। इसीलिए इन जो देखो बेटा जो वैसे प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, अब सभी का बेनिफिट होता है, कोई हमें फ्रूट्स देता है, कोई हमें वेजिटेबल्स देता है, किन्हीं से हमें वेजिटेबल जैसे पल्सेस वगैरह राइस वगैरह ये मिलते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे हमारे लिए प्राकृतिक चिकित्सक का काम नहीं करते। यानी जितने भी मान लो मैंने आपको बताए कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनसे हमें ग्रीन वेजिटेबल मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है, राइस मिलते हैं, पल्सेस मतलब दालें वगैरह मिलती हैं, लेकिन वो हमारे लिए प्राकृतिक चिकित्सक का काम नहीं करते। यानी उनसे हमारी किसी भी प्रकार की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अगर हमें किसी प्रकार का रोग हो गया है तो वो पेड़ पौधे जो प्रकृति की देन है उनसे हमारे रोग ठीक नहीं हो सकते। ये हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, इनको बताया गया है, ठीक है बच्चों। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एलोवेरा होता क्या है, नीम क्या होता है, गिलोय क्या होती है और तुलसी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को बुक के थ्रू। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है और ये कैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, ठीक है। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को बुक के थ्रू। तब तक के लिए बेटा ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।